सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस एच एंड टेक्निकल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड यहाँ पे नहीं बना हुआ है, सो गाइस आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड होता क्या है। आयुष्मान कार्ड से गाइस आप 5 लाख तक का साल में फ्री इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब हर साल आप 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपका आयुष्मान कार्ड यहाँ पे नहीं बना हुआ है और आपको ये पता करना है कि लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि आयुष्मान कार्ड की एक लिस्ट निकाली गई है, विलेज वाइज गाँव वाइज निकाली गई कि आपका नाम आपकी लिस्ट में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, तो आप यहाँ पे पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, अगर आपका नाम वहाँ पे है लिस्ट में तो आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आप कैसे आयुष्मान कार्ड की लिस्ट को डाउनलोड करेंगे, अपने गाँव की पूरी लिस्ट को डाउनलोड करेंगे, अपना नाम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान सा प्रोसेस है लिस्ट डाउनलोड करने का। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर के आकर के आपको यहाँ पे गाइस सर्च बार पे टाइप करना है जाकर के आपके द्वार आयुष्मान, ठीक, इतना लिख करके आपको टाइप कर देना है, ठीक है, सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसी वेबसाइट ओपन हुई, पहले नंबर पर ये वेबसाइट आ जाती है, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है, बाकी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आपके द्वार आयुष्मान पे, तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर के आएगा, जैसे गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस ऐसा पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो गाइस जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये जो ओटीपी आती है डायरेक्ट गाइस डिस्प्ले पे आती है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्ट डिस्प्ले पे, मतलब मैसेज पे नहीं आती है। अब आपको ये ओटीपी यहाँ पे याद करनी है, नोट कर लेनी है पहले से, ठीक है। मतलब ये मैसेज पे नहीं गए, डायरेक्ट आपकी विंडो में ऐसे शो होने लगती है। तो ये ओटीपी आपको नोट कर लेनी है, उसके बाद ये ओटीपी आपको एंटर करनी। चले मैं ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो गाइस जैसे आप ओटीपी वगैरह डाल देंगे उसके बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन की बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन की बटन पे क्लिक करेंगे सो गाइस आपके सामने यहाँ पे ऐसा पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले नंबर पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से होंगे, जिस भी राज्य से होंगे वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने जिला सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, जिस भी जिले से होंगे आप वो यहाँ पे आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कानपुर देहात, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक लगता हो वो यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे ब्लॉक पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक या यूएलबी लिख करके आ रहा है, तो शहरी से होंगे यूएलबी क्लिक करेंगे, ब्लॉक अगर आप गांव से हैं तो ब्लॉक पे टिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप ब्लॉक पे टिक कर दें उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक नेम पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके ब्लॉक का नेम आ जाएगा, तो आपका जो भी ब्लॉक लगता होगा वो ब्लॉक यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके गाँव की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, पूरे मतलब गाँव आ जाएंगे, इस ब्लॉक में कितने गाँव हैं। तो आपको यहाँ पे अपने गाँव का नेम चूज कर लेना, जो भी आपका गाँव का नेम होगा उसमें आपको क्लिक करना है। तो जैसे गाइस मैं यहाँ पे मोहम्मदपुर का ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मोहम्मदपुर गांव का मैंने सिलेक्ट कर लिया। इतनी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, उसके बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे सो आपके सामने यहाँ पे ऐसा पेज आ जाएगा, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पूरा ऐसा पेज आ जाता है मलासा और विलेज यहाँ पे, ठीक है। इस विलेज की यहाँ पे पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब आपको करना है यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल यहाँ पे डाउनलोड होने लगेगी। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मेरी यहाँ पे पीडीएफ पूरी डाउनलोड हो चुकी, पूरी लिस्ट यहाँ पे मोहम्मदपुर के डाउनलोड हो चुकी, जो कि मैंने यहाँ पे अपने गांव की निकाली थी। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे ड्राइव पीडीएफ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पूरी गाइस लिस्ट डाउनलोड हो जाती है, आप यहाँ पे नेम अपना देख सकते हैं, ऐसी लिस्ट कुछ डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश पे नेम ऐसे आता है और यहाँ पे ये फैमिली आईडी आईडी, अगर आपका यहाँ पे नेम है तो आपको ये फैमिली आईडी अपनी नोट कर लेनी है। उसके बाद आप जाकर के जनसेवा केंद्र में अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं या आयुष मित्र से संपर्क करके अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये फैमिली आईडी इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये आपको मिल जाती है तो आपका आयुष्मान कार्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे आपका आ जाएगा किस गाँव की है, किस मंडल की है, ठीक है। ये मोहम्मदपुर की थी और आपकी जो लिस्ट होगी ना तो वो आपके गांव की होगी, तो आपका गांव यहां पे लिख करके आ रहा होगा। तो आप ऐसे यहां पे पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी के सर आपको यहां पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि लिस्ट डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई यहां पे जरूर करूंगा। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एक बार सा कमेंट कर देना, और गाइस अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे हर नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो गाइस मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।